बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में और उनके गाने हमारे दिल में हमेशा बने रहेंगे। ऋषि कपूर उन अभिनेताओं में थे जिनके गाने और उनकी एक्टिंग को सदियों तक याद रखा जाएगा। बात अगर ऋषि कपूर की करें तो महज 17 साल की उम्र में ऋषि कपूर ने फिल्म मेरा नाम जोकर से बड़े पर्दे पर कदम रखा था, लेकिन बतौर हीरो एक्टर डिम्पल कपाड़िया के साथ फिल्म बॉबी में वे नजर आए थे। इस फिल्म ने दोनों को रातों रात स्टार बना दिया था। कहा जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर और डिम्पल एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे और उनका अफेयर भी शुरू हो गया था, लेकिन राज कपूर इस रिश्ते के खिलाफ थे, इसलिए दोनों जल्द ही अलग हो गए। फिर कुछ वक्त बाद ही डिम्पल ने हिंदी सिनेमा के सबसे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी कर ली। वहीं ऋषि कपूर ने भी नीतू को अपना दुल्हन बना लिया। इसके बाद ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की जोड़ी साल 1985 में आई फिल्म सागर में नजर आई। इस फिल्म में दोनों के बीच एक जबरदस्त किसिंग सीन था जो उस वक्त काफी सुर्खियों में रहा था। कहा जाता है कि फिल्म सागर में किसिंग सीन देने के बाद ऋषि कपूर काफी डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी पत्नी नीतू कपूर काफी गुस्सा हो जाएगी और उनके साथ उनका झगड़ा भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि फिल्म के प्रीमियर के दौरान जब नीतू कपूर ने ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया का किसिंग सीन फिल्म सागर का देखा तो उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन बाहर जाते वक्त जब वे घर लौट रहे थे तो उन्होंने इस बारे में उन्हें कहा कि आपने फिल्म में अच्छे से किस नहीं किया था।